हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं सॉफ्ट स्पॉन्जी आलू मसाला स्टफ्ड रवा इडली रेसिपी। अगर आप सिंपल इडली खाकर बोर हुए हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मसाला स्टफ इडली के लिए यहाँ हमने एक बाउल में बारीक सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मिक्सर में उसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। और मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी कप सेट कर लीजिए। यहाँ हमने एक बाउल में बारीक सूजी ली है और एक बाउल में हमने दही को लिया है। जितनी हमें दही लेनी है उतनी ही हमें सूजी लेनी है। तो चलिए हम इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इनको अच्छे से हमें फेंटना है। पानी हम अभी नहीं डालेंगे। यहाँ हमने फ्रेश दही लिया है। दही और सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे हम रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। टेस्टी आलू मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने गैस पर पैन रख दिया है। इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें अब हम डालते हैं जीरा। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है। जीरा को हमें चटकने देना है। इसी में हम डाल देंगे राई के दाने, 1 टीस्पून लिया है यहाँ पर हमने। इनको थोड़ा सा हमें इस तरह से चलाना है। इसी में हम डाल देंगे थोड़े करी पत्ता लिया है हमने बारीक काट कर, और 2 हरी मिर्च ली है, इसे भी हमने बारीक काट के लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इस तरह से हम इनको चला लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। इसी में हम डाल देंगे 1/2 छोटा प्याज लिया है हमने, इसे भी हमने बारीक कट कर लिया है, और इसे हम चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 छोटी कटोरी मटर के दाने। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो वो डाल सकते हैं। बीन्स, गाजर बारीक कट करके डाल सकते हैं आप इसे। अब 1 से 2 मिनट हम इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, और गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है। तो फ्रेंड्स, मटर अब थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसी में हम डाल देते हैं बॉईल किए हुए आलू, क्रश करके 2 बॉईल आलू लिए हमने। आप चाहे तो इनको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और इनको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर डालेंगे पाउडर मसाले। इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है। बिल्कुल आलू को हमें इसमें चंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आलू को हमने मैश कर लिया है। बाकी जब हम पाउडर मसाले डालेंगे उसके साथ और मैश कर लेंगे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून से कम हल्दी पाउडर है। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा स्टफिंग का। और यहाँ पर हमने दिया है 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप देगी मिर्च भी ले सकते हैं तेज वाली। और इसी में हम डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून से कम लिया है हमने। और इसमें हम डालेंगे अब 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें अब डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया सी हमारी आलू मसाला स्टफिंग तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से हमने इनको मैश कर लिया है आलू को सब मसालों में। अब इसी में हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया। फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आने वाला है ये मसाला इडली खाकर।
ये इडली काफ़ी हेल्दी होती है खाने में, क्योंकि हम बहुत कम तेल में बना रहे हैं और ऊपर से हम स्टीम करके बना रहे हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये मसाला रखते हैं हम ठंडा होने के लिए, तब तक हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इडली के बैटर को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है हमारा बैटर, और हमारी जो सूजी है वो काफ़ी फूल गई है। इसे अब हम परफेक्ट कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, पानी एकदम से ज़्यादा भी नहीं डालना है। अगर आपका बैटर पतला हो गया तो आपकी इडली अच्छी नहीं बनेगी। इसको हम फिर से फेंट लेते हैं। लम्ब देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा पानी मैं और डालूंगी इसमें, अभी मुझे काफ़ी थिक लग रहा है ये। इसमें तो फ्रेंड्स, इडली के बैटर को हमने अच्छे से फेंट लिया है। कुल मिलाकर हमारा एक गिलास पानी लगा है। अब इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच नमक। नमक वैसे इडली में कमी डलता है। इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ मैं, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा पतली है। ये देखिए इस तरह से रखना है। अब इसको रखते हैं हम साइड में। मोल्ड को हम ग्रीस कर लेते हैं। इसको हमें इस तरह से ग्रीस करना है ताकि जब हम इडली निकालें तो इजीली हमारी इडली निकल जाए। थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर इस सब में हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मोल्ड में हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है। इसे रख देते हैं साइड में, और स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अब हम बॉल बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से स्टफिंग लेंगे, बॉल बनाएंगे ऐसे, और इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। और हमें मोल्ड की साइज की ये स्टफिंग बनानी है। स्टफिंग को ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ज़्यादा बड़ा बनाना है। ये देखिए, क्योंकि जब आप कवर करोगे स्टफिंग को तो फिर कवर करने में दिक्कत आएगी बैटर से। इस तरह से हम सारी बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारी सारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम मोल्ड में इनको भर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं इनो, एक चम्मच है छोटा, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी इनो को एक्टिवेट करने के लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उधर हमने स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए इसमें अब झाग आ गए हैं। अब हम मोल्ड में इस बैटर को भर लेते हैं। बैटर हमें थोड़ा थोड़ा भरना है, पूरी तरह से नहीं भरना, क्योंकि हमें स्टफिंग भी रखनी है। ये लेंगे हम स्टफिंग, इस तरह से थोड़ा प्रेस करेंगे और फिर स्टफिंग को इस तरह से बैटर डाल के कवर कर देंगे पूरी तरह से। बैटर डाल के हम कवर कर देंगे। ये लीजिए, स्टफिंग कहीं से भी दिखनी नहीं चाहिए। फिर लेंगे थोड़ा सा बैटर, ये डालेंगे हम स्टफिंग, इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर थोड़ा सा बैटर डाल के इसको हम कवर कर देंगे। ये इडली बनाना बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कीजिए। ले लीजिए, यहाँ भी थोड़ा सा बैटर डालेंगे और फिर स्टफिंग रख देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम सारे मोल्ड में भर लेते हैं।
हमने चारों मोल्ड में इडली के बैटर को और स्टफिंग को भर लिया है। तो चलिए अब इसको हम स्टीम कर लेते हैं, और पानी को भी हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें 2 ग्लास पानी डाल के रखा था। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा कटा हुआ नींबू, इससे हमारे स्टीम में काला नहीं पड़ेगा। अब हम एक एक करके मोल्ड को इसमें रखते जाएंगे। आप ठंडे पानी में इस बैटर को इस तरह से नहीं रखें, जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तभी आपको मोल्ड को रखना है। ये लीजिए, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ना हाई ना लो, मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है 15 मिनट तक। लीड लगा दी है हमने, और 15 मिनट के बाद अब हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इडली को चेक कर लेते हैं। स्टिक या नाइफ की हेल्प से आप इस तरह से देखेंगे, ये देखिए इसमें बैटर बिल्कुल भी लगा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी इडली अच्छे से स्टीम हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं, और थोड़ी ठंडी होने के बाद हम इडली को निकालेंगे। अगर आप गर्म गर्म में निकालेंगे तो इडली आपकी टूट जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी इडली रूम टेम्परेचर पर आ गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। नाइफ या स्पून के बैक साइड से हम इस तरह से इसको निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी ये। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी इडली बनी है, ये देखिए कितनी जालीदार बनी है। इस तरह से हम सारी इडली को डिमोल्ड कर लेंगे, फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आलू मसाला स्टव इडली बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही बेहतरीन हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। ये इडली काफ़ी हेल्दी होती है, क्योंकि कम तेल में और स्टीम करके बनाई जाती है। इस टेस्टी इडली को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स या रात को खाने में भी ले सकते हैं। आप इस टेस्टी इडली को हरी चटनी, मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है, ये देखिए कितनी फूली फूली बनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्टफिंग, ये कट करके, ये देखिए। आप भी मेरी टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी ये टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही टेस्टी रेसिपी लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।